जनपद संभल के चंदौसी में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित छात्रा दे रही इंटरमीडिएट की परीक्षा। सब तरफ हो रही छात्रा के हौसले की तारीफ। हौसला हो तो कुछ भी संभव है और कोई भी समस्या आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल के चंदौसी से सामने आया है, जहां पर बीएमजी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में इंटरमीडिएट की ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित छात्रा परीक्षा दे रही है। छात्रा को उसके पिता घर से कॉलेज में परीक्षा कक्ष तक बाइक से छोड़ते हैं। ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी परीक्षा दे रही छात्रा रिया शर्मा के हौसले की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी की आवास विकास कॉलोनी का है, जहां पर रहने वाले सर्वेश शर्मा की पुत्री रिया शर्मा जब 9 वर्ष की थी, तभी उन्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। लेकिन ट्यूमर जैसी बीमारी से ग्रस्त होने के बाद भी रिया ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी और इस समय बीएमजी इंटर कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में अपने इंटर की परीक्षा दे रही है। इस विषय में पीड़ित छात्रा रिया ने बताया कि वह पिछले 7-8 साल से इस गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन हिम्मत और हौसले से वह इस बीमारी से लड़ रही है और आगे बढ़ रही है। वहीं इस विषय में पीड़ित छात्रा के पिता सर्वेश शर्मा ने बताया कि बिटिया बिना किसी ट्यूशन पढ़े परीक्षा दे रही है और उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं कॉलेज की प्रभारी प्रधानाचार्य सीमा सागर ने रिया शर्मा के हौसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि छात्र छात्राएं छोटी सी बीमारी में ही घबरा जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने अन्य लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। सीमा सागर, अच्छा यहाँ पे आप स्कूल में एक लड़की परीक्षा दे रही है जो कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उस छात्रा का मैं हौसले की तारीफ करती हूँ, क्योंकि जरा सी बीमारी में छात्र घबरा जाते हैं और परीक्षा में नहीं देना चाहते हैं या परीक्षा अच्छी प्रकार से नहीं दे पाते। लेकिन ये छात्रा जिसके 3-3 ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन हो चुके, वो अपने हौसले के दम पर अब पूरी परीक्षा दे रही है। ऐसी छात्रा जो है दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत। संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही संदेश है कि अपनी तैयारी शुरू से ही रखें, जिससे अगर बाई चांस उनके साथ कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई या किसी प्रकार की और दुर्घटना हो जाती है तो अपनी परीक्षाएं आत्मविश्वास के साथ दे सकते हैं। और उन्होंने एक हौसले की मिसाल पेश की है कि 12th की परीक्षा दे रही है इस बार और आप भी उन्हें सहयोग कर रहे हैं, तो कैसा क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमने इनको कहा बेटे अगर आपको सही लगता है तो आप एग्जाम दो, हमने कोई प्रेशर नहीं डाला था, लेकिन ये बोली हम तो यही सोचते रहे लास्ट तक ये एग्जाम नहीं देंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पापा मुझे देना है, इंटर हर हाल में करना है मुझे आगे भी फिर इसके बाद कुछ और कोशिश करनी है, मुझे अपना लाइफ सेटअप करनी है, मुझे अपना अपने पैरों पर खड़ा होना। आप परीक्षा दे रही है बिटिया, आप पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको इस बारे में? अच्छा लग रहा है, बढ़िया पेपर कर रही है, अपने बल पर कर रही है और कोई टीचर